हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 6.3। हेयर क्वेश्चन नंबर 5-4। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको जो भी नंबर गिवन है उसमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर, ऐसा नंबर जिसको क्या किया जाए, बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, जिसको हम मल्टीप्लाई करें जो हमें नंबर्स गिवन है उनसे, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या गिवन होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पे बोला गया 252। 252 को एक ऐसे स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें क्या गेट हो, एक परफेक्ट स्क्वायर, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ ऑब्टेन। हम जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी स्क्वायर रूट भी फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप मान के चलिए कि 252 है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 4 से, 8, 20, 2, 1000। जो ये नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर हमें गिवन हुआ है हमें उसकी स्क्वायर रूट भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट देखिए आप इसका, 252। अब आपको पता है 252 का फैक्टर स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करते हो, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो किसकी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि लास्ट में अगर कोई भी इवन नंबर है इट मीन्स वो 2 की टेबल से डिविजिबल है, और यहाँ पे लास्ट में 2 है तो ये 2 की टेबल से डिविजिबल है। इसको डिवाइड करोगे आप 126, फिर 2 की टेबल से डिविजिबल करोगे 63। लास्ट में ऑड नंबर है ये 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, 21, फिर 3, और लास्ट में क्या बन रहा है, 7 और 7। तो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 252 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आपको पता है कि कोई भी नंबर जब एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसमें क्या बनते हैं, हर एक नंबर के पेयर। तो क्या यहाँ पे परफेक्ट नहीं, यानी कि पूरे पूरे पेयर्स बन रहे हैं, तो 2 का पेयर, 3 का पेयर, क्या 7 का पेयर बन रहा है। हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से ताकि वो क्या बन सके, एक परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए हमेशा उसमें क्या बनने चाहिए, पेयर्स। तो यहाँ पे 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है, और हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे ये क्या बन जाए, पेयर। तो अब यहाँ पे 1 ही 7 है, 2 7 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, 7 से, ताकि ये क्या बने, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये लाइन थी फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो एक होल नंबर फाइंड करना है बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, जिसको हम मल्टीप्लाई करें और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड हो, तो वो नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 7। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब इसी नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, क्वेश्चन में ये बोला गया था ना 252 मल्टीप्लाई 7। आप इसे मल्टीप्लाई करो, 14 1 कैरी, 7 5 35 और 6 36, 3 कैरी, 14 17 64। इसके बाद क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसके बाद ये बोला गया ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, जो हमें ये नंबर गिवन है इसकी स्क्वायर रूट भी फाइंड करनी है। और स्क्वायर रूट हमें पता है, यहाँ पे अभी तो हमने ये फैक्टर्स बनाए हैं, और यहाँ पे क्या फैक्टर बन रहा था, 2। जब स्क्वायर रूट बताते हैं तो पेयर में से ओनली 1 ही लेते हैं, यहाँ पे 2, 3 का 1, 3 और 7 का 7। तो यहाँ पे जब इनका मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, 7 3 21 42। तो वो नंबर क्या होगा जिसकी स्क्वायर रूट होगी 42। 1764 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 42, मतलब यानी कि 42 की जो स्क्वायर है वो कितनी होती है, 1764, और इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, 42। एक बार फिर से देखिए आप, यहाँ पे हमें 252 एक नंबर की बना है, उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स में हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर उसके पूरे पूरे पेयर्स बनते हैं इट मीन्स वो है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जिसको हम मल्टीप्लाई करें और एक परफेक्ट स्क्वायर हमें गेट हो जाए। तो यानी कि एक नंबर तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, यानी कि यहाँ पे हमें पूरा पूरा पेयर कभी भी नहीं मिलेगा। पेयर्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई। 2 है, 3 है, लेकिन 7 1 था, एक और 7 चाहिए, तो हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस पूरी डिजिट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे। स्क्वायर रूट में आपको पता है कि पेयर्स में से आप एक एक डिजिट लेते हो और उनका मल्टीपल करते हो, तो आंसर क्या आएगा, 42। इसी तरह से एक पार्ट और देखिए आप इसका, 108 सी पार्ट, यानी कि 1008। लास्ट में 8 है, 2 की टेबल से डिविजिबल है, 504। कुछ बच्चे इसको डिवाइड इस तरह से करते हैं, वो रॉन्ग होगा, कुछ इसको 54 लिख देते हैं, 10 5 5 10 5 2 10। 0 0 आप कैरी लोगे, ये भी 0। अब जब दो एक साथ डिजिट उतरती है तो ऊपर एक क्या लेती है,
0, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट ही 54 कर देंगे, यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे 4, ऐसे नहीं होता। जब दो चीज़ें उतरती है पेयर में डिवाइड में तो ऊपर क्या आता है 0, 2 4 8, इसका मतलब डिवाइड करने पे क्या बन रहा है 5 0 4, इस तरह से आप इसको डिवाइड करोगे। अब नेक्स्ट फिर 2 से ही डिवाइड होगा 252, और 252 के अभी हमने पेयर बनाए थे, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में इसी के पेयर बने थे 21 3, और लास्ट 7 7 और 1। तो हमारे जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7 ×। अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, ये भी 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 7 फिर सिंगल पेयर है, तो यहाँ सिंगल नंबर है, तो इसको यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का। तो 1008 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, स्मॉलेस्ट नंबर 7 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 7056 बन रहा है। अब हमें ये क्या बताना है, ये किसकी स्क्वायर रूट है 7056। तो यहाँ पे पेयर में से एक एक नंबर लोगे, 2 × 2 × 3 × 7 मल्टीप्लाई करोगे, 3 7 = 21 42 84। तो ये किसकी स्क्वायर रूट होगी 84। इस तरह से ये आपको क्वेश्चन करने हैं। अब ये यहाँ पे बोला गया था कि मल्टीप्लाई करने पे मतलब क्या नंबर होगा, अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ 7 6 8, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा। 7 6 8 है, 2 की टेबल सीट विजिबल है 3 8 4, फिर ये 2 की टेबल सीट विजिबल है 9 1 9 2, फिर 2 सीट विजिबल है 96, 2 सीट विजिबल है 48, 2 से डिविजिबल है 24, इस 24 को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, नीचे स्पेस नहीं है ना, फिर 12 2 6 2 3 एंड लास्ट इज 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितने 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 6 ही लिखे अभी मैंने, 7 8 और 3। अब हमें देखना है कि वो नंबर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो वो नंबर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 7 6 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 24 2 18 0 2 2 3 0। अब जो ये नंबर मिल रहा है वो किसका मल्टीपल है हमें ये बताना है, यानी कि स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले पेयर में क्या था, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 2 4 4 2 8 16 48। तो याद रखिएगा कि किस स्क्वायर रूट होगी 48 की। ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक बार फिर से देखिए, जो भी नंबर गिवन है उसके फैक्टर्स बनाओगे, उसमें पेयर्स चेक करोगे, पूरे कंप्लीट पेयर बन रहे, और एक नंबर ऐसा होगा जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा, हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। उस पूरी डिजिट को आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पेयर्स में से 1 1 नंबर आप राइट करोगे और मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कि किसके स्क्वायर रूट है। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे 6 में क्या बोला गया है, 6 देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह हमें उस नंबर से क्या करना है, डिवाइड। मतलब पेयर्स बन रहे हैं ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा में नंबर है उसको हटा देंगे, यानी कि उस नंबर को उससे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखिए आप इसका, 252 तो चलो आप खुद कीजिएगा, मैंने अभी लास्ट अभी ये मल्टीप्लाई में किया था, लेकिन अब डिवाइड में आप 2925 देखिए, 2925, क्या ये 3 की टेबल से डिविजिबल है, यस, 3 9 27 7 5, फिर से ये 3 की टेबल से डिविजिबल है, यस, 3 2 5, क्या ये 3 की टेबल से डिविजिबल है, नो, ये 5 से डिविजिबल है, 65, फिर ये 5 से डिविजिबल है, 13, और लास्ट क्या होगा 13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। फैक्टर्स तो आपको सभी को बनाने आते हैं, मैं पूरा नंबर लिख रही हूँ। 2925 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं यहाँ पे, 3 × 3 × 5 × 5 × 13, यही फैक्टर्स हैं, पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में जो नंबर है उसका हम क्या करेंगे, इस नंबर से डिवाइड। यानी कि पहले इस नंबर से हम क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, लेकिन अब क्या करना है, डिवाइड। 2925 को आप डिवाइड करोगे किस से, 13 से। आप इसको इस तरह से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, यहाँ पे 13 2 जा
26, 32, 13 टू जा 26, 65 यानी कि 2 टू 5 यही होगा। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहले हमने मल्टीप्लाई किया था उस नंबर को, लेकिन अब हमें क्या करना है, डिवाइड। तो अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इसका क्या फाइंड करना है हमें, स्क्वायर रूट, जो नंबर हमें गिवन हो रहा है उसके स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में हम क्या लेते हैं, पेयर, क्योंकि 13 का तो हमने डिवाइड ही कर दिया, तो पेयर क्या रहेगी, 3 और 5 के 3 मल्टीप्लाई 5, इट मीन्स ये किसकी स्क्वायर रूट होगी, 15 की। 225 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15। सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या है, डिवाइड। पहले नंबर को बढ़ाना था, अब नंबर को कम करना है। डिवाइड में उसी नंबर को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से वो चीज़ खत्म हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे एक पेयर और बनाना है, यानी कि जो भी एक सिंगल नंबर है उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ इस तरह से आपके कोई फैक्टर बन रहे हो, एक बार मैं डायरेक्ट फैक्टर रख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस तरह से अगर कोई फैक्टर बने और आपको बोला जाए कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे डिवाइड की जगह क्या हो, मल्टीप्लाई, तो हम किन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 का पेयर बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, 5 का भी पेयर बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई होगा, 5 का। इट मीन्स हम पूरे नंबर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का, ना कि ओनली 3 और 2, यानी कि हमें पेयर्स पूरे कंप्लीट करने हैं। अगर एक नंबर है तो एक करेंगे, दो नंबर सिंगल है तो दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 है तो 3 का, मतलब जितने नंबर सिंगल सिंगल डिजिट में होंगे उनका मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड बोला जाए, अगर यहाँ पे बोला जाए डिवाइड, अगर ऐसे फैक्टर्स बने और यहाँ पे बोला जाए कि कौन सा एक नंबर होगा जिसको डिवाइड किया जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15, तो उस नंबर का क्या होगा, डिवाइड। नेक्स्ट एक पार्ट और देखिए आप इसका, यहाँ पे ये देखिए 3968 3 9 6, ये है। अब ये 3 की 2 की टेबल से डिविजिबल है, 2 1 2 9 8, फिर ये 2 से डिविजिबल है 99, अब ये 3 से डिविजिबल है 33, फिर 3 से है फिर 11 से, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, पेयर्स बन रहे हैं, लेकिन 11 एक सिंगल नंबर है, इट मीन्स इसका डिविजिबल किससे होगा, ये 11 से, 11 से आप इसको डिवाइड करोगे 36, और 36 वैसे भी आपको पता है ये किसकी स्क्वायर रूट होती है, 6 की, और जिसको नहीं पता वो यहाँ पेयर से नंबर लेंगे, तो ये 6, इट मीन्स 36 द स्क्वायर रूट ऑफ 6। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसी तरह से एक पार्ट और देखिए इसका, 1620, इसको 2 से करोगे 810, फिर 2 से करोगे आप 405, फिर ये 3 से क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 3 से करोगे 135, फिर ये 3 से पेयर बन रहे हैं इसके 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और लास्ट में 5। तो फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, पेयर बन रहे हैं लेकिन एक सिंगल नंबर रह रहा है 5, तो आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 5 से, 5 3 15 2 34, यानी कि हमें किसकी स्क्वायर रूट फाइंड करनी है, 324 की, और पेयर क्या बन रहे हैं, 2 का 3 का और 3 का, मल्टीप्लाई करोगे तो 18, दैट्स मीन कि 324 किसकी स्क्वायर रूट होगी, 18 की। इसी तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं 5 और 6 नंबर। एंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।